हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देसी जी के ट्रिक में। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं रुद्र M2 मिसाइल के बारे में, जिसका हाल ही में परीक्षण है वो DRDO द्वारा किया गया दोस्तों। और ये टॉपिक है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो रुद्र M2 मिसाइल है वो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि DRDO द्वारा विकसित की गई। DRDO के बारे में आपको दोस्तों जो ज़रूरी बातें ध्यान रखनी है वो हैं, इसका जो गठन है वो 1958 में हुआ, और इसके जो हाल ही में जो अध्यक्ष है उनका नाम है समीर वी कामत। और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो DRDO के बारे में आप ये तीन चीज़ें हैं वो जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण है वो किया है, और इस मिसाइल को वो 28 मई 2024 को परीक्षित किया गया है उड़ीसा के तट से। और इसको जिस विमान से परीक्षित किया गया उसका नाम है Sukhoi-30 MK-1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों रुद्र M2 मिसाइल के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों रुद्रम है वो रुद्रम 1 का ही एक नवीनतम संस्करण है, और रुद्रम मिसाइल का परीक्षण है वो अक्टूबर 2020 में सैम लड़ाकू विमान से किया गया, यानी कि जो लड़ाकू विमान है वो Sukhoi-MK-1 ही था। और DRDO के अनुसार दोस्तों इस मिसाइल का परीक्षण है वो सभी मापदंडों पर खरा उतरा है। और रुद्र M जो मिसाइल है वो हवा से सतह पर वार करने वाली एक मिसाइल है, जो कि लड़ाकू विमान द्वारा ज़मीन पर स्थित लक्ष्य को बनाने के लिए परीक्षित किया जा सकता है। यह मिसाइल है वो भारत की पहली घरेलू एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे शत्रु दमन वायु रक्षा मिशन के हिस्से के रूप में दुश्मन के जमीन आधारित रडार और निगरानी प्रणाली को लक्षित करने के लिए विकसित किया गया है। यानी कि यहाँ हवा से सतह पर दुश्मन के किसी भी रडार, रेडियो फ्रिक्वेंसी संपत्ति या फिर अन्य संचार उपकरण है वो उनको नष्ट कर सकती हैं। और इस मिसाइल की जो स्पीड देखते हैं तो वो है 6,791 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हम 5.5 मैक कह सकते हैं दोस्तों। इसी कारण यह एक प्रकार की सुपरसोनिक मिसाइल है। जिस मिसाइल की क्षमता है वो 5 मैक से ज़्यादा होती है, यानी कि जिसकी गति 5 मैक से ज़्यादा होती है उसे हम सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं दोस्तों। और अगर इसकी मारक क्षमता की बात करें तो यह है 350, यानी कि यह अपने से 350 किलोमीटर दूर किसी भी शत्रु के उपकरण को नष्ट करने की क्षमता रखती है। आज का दोस्तों हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें।